नमस्कार। कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, इसका बी भाग है 8-9484। हमें 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अपनाकर लगाकर यहाँ पर हमें देखना है कि ये खाली स्थान पर यहाँ क्या आएगा, ताकि यह नंबर 11 से विभाज्य हो, 11 से डिविजिबल हो। तो मैं सबसे पहले इस नंबर को दोबारा लिखता हूँ, 8-9484। सबसे पहला काम, जैसा हमने पिछले भाग में भी देखा, क्या है कि हम इस खाली स्थान पर एक संख्या लिख देते हैं x, और अब जैसे हमने पहले इनके पेयर बनाए थे, वैसे ही अब पेयर बनाने का हम प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला पेयर बनेगा ये 8, x छोड़ दिया आगे 9 और 1 छोड़कर ये, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी 8+9+8। समझ रहे हैं ना बच्चों, 8+9+8। अब उसके बाद जो दूसरा पेयर बनेगा वो x से शुरू होगा, 1 छोड़ दिया फिर +4 फिर 1 छोड़ दिया फिर +4, तो वो आ जाएगा x +4+4। इन दोनों को प्लस करिए, यह है 8, 8, 16 और 9, 25। यहाँ पर है 4 और 4, 8+x। ठीक है बच्चों, अब हम इसे माइनस करते हैं। आपको पता है कि जो ये जोड़ आता है इनको हम माइनस करते हैं, तो मैं 25 में से माइनस करता हूँ 8+x। ये ब्रैकेट क्यों लगी है, क्योंकि 8+x दोनों माइनस होने हैं 25 में से, तो ये हो जाएगा 25। हमें पता है कि ये या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो ये आ गया 25-8-x = या 0 या 11। 25 में से 8 माइनस किए तो आता है 17-x = या 0 या 11। अब दोनों में से चुनो, x जो है एक डिजिट है, एक अंक है, तो वो 17 नहीं हो सकता। यहाँ 0 आने के लिए x 17 होना चाहिए, लेकिन 17 तो कोई अंक नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ लेंगे 11। अब 17 में से x माइनस किया 11, तो 17-x = 11, 17 यहाँ प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो -x = ±, 17 में से 11 गए 6, 7 में साइन माइनस का। अब हम देखते हैं कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास x का जो मान आएगा वो आ गया है 6। x का जो मान आया है वो आया है 6। इसका मतलब इस खाली स्थान में 6 भरने से यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर बेसिक्स के साथ हमें इसको करना है, तो ये प्रश्न बड़े आसानी से हल हो रहे हैं। देखो, हमने यहाँ पे x भरा, उसके बाद पेयर बनाए जैसा कि 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में बनते हैं, और उन्हें माइनस किया, तो या 0 आएगा या 11। आखिर में हमारे पास आके यहाँ बना 17-x = अब या तो यहाँ 0 हो सकता है या 11, लेकिन 0 होने के लिए x 17 होना चाहिए, तभी 17 में से 17 माइनस करके 0 आएगा। इसका मतलब x 17, लेकिन x तो एक अंक है, अंक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और कुछ नहीं, तो 17 तो हो ही नहीं सकता अंक, इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लिया, हमने 11 लिया, तो हमें पता चला 17 में से 6 माइनस करने से 11 आता है, तो इसका मतलब x का मान होगा 6। बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और यदि आपको वीडियो समझ आया, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो वो हमारे लिए एक संकेत होता है कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, समझ आ रही है। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।